हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कलनरी आर्ट एंड रिसर्च। मैं से ऋषभ कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कलनरी आर्ट एंड रिसर्च में स्वागत करता हूं। अगर आपने कलनरी आर्ट रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, कोई नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है थर्ड कॉमी शेफ के बारे में है। थर्ड कॉमी शेफ काम क्या करता है, उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनकी सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे होता है, इंडिया में थर्ड कॉमी शेफ का क्या है और जैसे अब्रॉड में क्या होता है, क्या काम करता है थर्ड कॉमी और क्या क्या चीज़ें उसकी होती हैं, कब होती हैं, उस सब मैं आपको बताऊंगा। थर्ड कॉमी शेफ जो होता है वो एक एंट्री लेवल होता है। जो एक प्रोफेशनल शेफ बनना है तो उसके लिए एंट्री लेवल होता है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे एक एंट्री फीस होती है, तो सेम लाइक ये एंट्री लेवल होता है थर्ड कॉमी शेफ का। और इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, हेल्पर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है और फूड को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे फूड में क्या मतलब, जाके ऑर्डर नहीं मान, फूड में प्रिपेयर क्या करना है कि जैसे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा होटल है, जो हमारा किचन है, शेफ रहते हैं, किचन हायरार्की क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, सू शेफ होता है, ये सारी चीजें सबसे लास्ट लेवल पे थर्ड कॉमी होता है। उसके भी नीचे होते हैं जॉब ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो हम थर्ड कॉमी के बारे में जानते हैं जो हमारा एक एंट्री लेवल होता है। जो उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है प्रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट है उसको प्रिपेयर करेंगे करना पड़ता है और स्टोर भी पिकअप करना पड़ता है। अगर कॉमी शेफ में है तो आपको स्टोर भी पिक करना पड़ता है। और जो आपका एरिया है, जैसे क्या होता है, आप जैसे जाओगे होटल में जाओगे तो आपको एक एरिया दिया जाएगा कि आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है अगर आप नए जा रहे हैं तो, ठीक है। तो वहां पे आपका जो एरिया है हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करके रखना पड़ेगा और ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा पूरा। और उसमें आपको क्या करना है, जो आपके ऊपर सीनियर रहेगा उसको असिस्टेंट करना है, मेंटेन जो इक्विपमेंट्स है उसको भी थोड़ा आपको ध्यान देना है, उसकी साफ सफाई भी आप करके रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रमोशन होता है, प्रमोशन कब होता है, कैसे होता है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आपने अच्छे से ट्रेनिंग ली है तो आप बहुत जल्दी भी प्रमोट हो सकते, एक हाई लेवल पे जा सकते हैं, कॉमी सेकेंड, कॉमी फर्स्ट, फिर उसके बाद डीसीडीपी, सीडीपी, शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शू शेफ, फिर एग्जी शेफ, उसके ऊपर भी है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर नहीं है, है। लेकिन आपको सबसे पहले ये चीजें जानना पड़ेगा थर्ड कॉमी का जो होता है उसके बारे में। अगर आपको नहीं पता है तब आगे का जो स्टेप है आप नहीं जा सकते, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी कि आपके अंदर हाँ मैं काम को लेके पंक्चुअल हूँ। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में अगर आपके अंदर काम को लेके अगर कोई पंक्चुअलिटी नहीं है तो आप जल्दी आगे। और जानते हैं डिफरेंट बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड। इंडिया में क्या होता है, जो ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड कॉमी की सिमिलर होती है अब्रॉड में भी, इंडिया में भी। डिफरेंस क्या होता है, सैलरी में, प्रमोशन में, जो अपॉर्चुनिटीज होती है। इंडिया में क्या होता है, सैलरी थर्ड कॉमी की जो क्या होती है कि लोअर होती है, लोअर देन अदर कंट्रीज। अब्रॉड में हमारी सैलरी ज्यादा है इंडिया के अपेक्षा, तो इसके लिए ही लोग ज्यादातर अब्रॉड जाते हैं। और एडिशनली जो होता है अपॉर्चुनिटी जो मिलती है लोगों को इंडिया में सिमिलर होता है अब्रॉड में भी, वहां पे भी एक्सपेंसेस के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। थर्ड कॉमी का जो अदर कंट्री में विदेशों में उनकी सैलरी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। और भारत में जो थर्ड कॉमी की सैलरी होती है, जो सामान्य वेजेज है, लिमिटेड लोअर वेजेज है, जो ज्यादातर 10,000 से 15,000 तक प्रति माह। और वही अगर हम यूके में जाते हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे आपकी सैलरी जो होती है मिनिमम वन ईयर्स का जो होता है आपका $30,000 टू $35,000 वर्ष मिलता है एवरी ईयर, जो आपकी एनुअल होती है। और यूके में आपको क्या होता है 10,000 यूरो से 18,000 यूरो आपको पर ईयर मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, भारत के अपेक्षा जो हमारा इंडिया है की अपेक्षा वहाँ के जो एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट होते हैं, लिविंग कॉस्ट होती है वो ज्यादा। आप मान लो कि आप इंडिया में 10,000 कमाते तो 10,000 के हिसाब से आप खर्चे करोगे, अगर आप विदेश में जाके 1,00,000 कमा रहे हो तो आपका एक्सपेंसेस वैसे ही खर्चा होगा। कैरियर जो होता है थर्ड कॉमी से कैसे ग्रो होता है, कैसी चीजें होती हैं के बारे में जानते हैं। थर्ड कॉमी का होता है ओपनिंग डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोग्रेस जो होता है ना इनसाइड से होता है कलनरी इंडस्ट्री में। जो बिगिनिंग में थर्ड कॉमी शेफ आते हैं और स्टेप बाय स्टेप सेकेंड कॉमी, फर्स्ट कॉमी, एंड जैसे आप काम करोगे, अगर आप इंडस्ट्री में ज्यादा दिन काम करोगे तो आप 6 पोस्ट पे भी जा सकते। आप हर एक स्टेप के लिए क्या होता है ना, स्टॉल जो आपकी स्टेपिंग स्टॉल होती है वो धीरे धीरे ड्यूटी और नेक्स्ट लेवल पे आपको अलग अलग चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है। अब हम जानते हैं चैलेंजेस, जो थर्ड कॉमी शेफ होता है वो को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जो थर्ड कॉमी शेफ होता है उसको एक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा चैलेंज के लिए। और जो चैलेंज होता है सबसे बड़ा चैलेंज है लॉन्ग आवर्स, जो हमारा सबसे लॉन्ग ड्यूटी करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है, मॉर्निंग में आओ लेट नाइट जाना है और जब तक आपका वर्क फिनिश नहीं होता है तब तक भी आप नहीं जा सकते। दूसरा चैलेंज क्या है, वेट, हमको वेट उठाना पड़ता है। थर्ड कॉमी शेफ जो होता है उसको वेट भी बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। इंडियन में काम कर रहे हो आप, इंडियन में जैसे आपको
20 केजी ग्रेवी बनाना है, 50 केजी ग्रेवी बनाना है, तो आपका जो मिंट्स होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है जिसमें हम बनाते हैं, तो वो हैवी होता है, वो भी कभी कभी वो 25 केजी का वही रहेगा, उठा नहीं सकते अकेले, तो वेट भी आपको चैलेंजेस करना पड़ता है। थर्ड में क्या है, जो कि लर्निंग स्किल है उसको क्या करना है, आपको खुद से डेवलप करना है, क्योंकि आपकी लर्निंग स्पीड हो सकता है कि आपका लर्निंग स्पीड स्लो हो, तो आपको फास्ट करना पड़ेगा लर्निंग स्पीड को। अगर लर्निंग स्पीड अगर आप फास्ट करोगे तो आपके लिए ये बेनिफिट्स हैं। टेस्टिंग का पैटर्न है जो अपने हिसाब से एज ए कॉमी थ्री ज्वाइन करते हैं, आपको अपने लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, आप बना रहे हो, जैसे आप काम कर रहे हो, जो डिफिकल्ट सामना करना पड़ता है उसके लिए आपको ये बोलोगे नहीं मैं हाँ मैं कर सकता हूँ, एक जुनून होता है, अंदर जुनून नहीं है नहीं कर पाओगे। और जो थिंकिंग लेवल होता है वो भी आपको थोड़ा हाई रखना पड़ेगा कि हाँ मैं बहुत जल्दी मुझे विद इन 6 मंथ मुझे सेकेंड कॉमी पाना है, विद इन 3 मंथ मुझे फर्स्ट कॉमी पाना है। तो ऐसे जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे साथ और हमारी टीम के साथ नॉलेज देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।